अपना, ये सब तुम्हारे लिए तो है। लेकिन डूबा डूबा तुम्हें दूध के लिए छोटा बर्तन लाना चाहिए था। इतने बड़े बर्तन में छोटा सा गज्जो दूध कैसे पिएगा? अभी बताता हूँ कैसे। ये क्या हो रहा है? है ये गज्जू तो सचमुच छोटा डिब्बा पर बड़ा धमाका। क्या गज्जू? आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। अच्छा बच्चों, तुम लोग अपनी स्टाफ रूम में जाओ और मैं अपनी क्लासरूम में जाता हूँ। बच्चों मतलब तुम लोग अपनी क्लासरूम में जाओ और मैं अपनी स्टाफ रूम में जाता हूँ। हाँ, मैं आपको स्टाफ रूम तक छोड़ दूँ? मुझे पता था बल्लू, एक ना एक दिन तुम मुझे स्टाफ रूम तक जरूर पहुँचाओगे। बाय सचिन, सलोनी अभी क्लासरूम होने में थोड़ा टाइम है तो मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखा दूँ। हाँ ठीक है चलेगा। चलो तुम दोनों जाओ, मैं तो सबसे पहले क्लासरूम देखूंगी। ठीक है, फिर हम तुमसे क्लास में मिलेंगे। चल सचिन। बल्लू क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो स्टाफ रूम आ गया ना। आ गया? हाँ। कहाँ है वो? सामने वही है स्टाफ। अच्छा ओके, सॉरी, थैंक यू, मैं जाता हूँ। कितना समय हो गया परीलोक में सबसे मिले। लगता है आजकल माँ और परियों को मेरी याद ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं ही उनसे जाके मिल लेता हूँ। और वैसे भी स्कूल शुरू होने में अभी समय है। माँ और परिया सब लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान हो जाएंगे। छोटा इतना प्यारा हाथी का बच्चा यहाँ परीलोक में कैसे? लगता है इस बार परियों की जगह मैं हैरान हो गया हूँ परीलोक आकर। कितना मजा आ रहा है! अरे वाह, ये तो बोलता भी है। बहुत अच्छी बात है, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? डरो मत, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ परीलोक में कैसे आ गए? ये गज्जू मुझे क्यों पुकार रहा है और ये कौन है उसके पास? कहीं गज्जू खतरे में तो नहीं? माँ, तुम्हारी माँ भी है? अरे वाह, चलो तुम बिना डरे अब मेरे पास आ जाओ। अरे डरो मत, आओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है। कौन हो? मैं कौन हूँ ये जाने दो बालक, और खबरदार अगर तुमने मेरे बेटे को चोट पहुँचाने की कोशिश की। देखो मैं तो बस, ये
देखो तुम जो भी हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरे पुत्र पे हमला करके गुस्सा तो तुमने मुझे दिलाया है। मैंने तुम्हारे पुत्र पे हमला नहीं किया, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे तुम पे हमला करना पड़ेगा। मैं तुमसे डरती नहीं। तुमने अपनी शक्ति दिखा दी, अब शक्ति प्रदर्शन की बारी मेरी है। विराम बालवीर, विराम महागजनी। हाँ गजनी। बालवीर? हाँ बालवीर, ये महागजनी है, परीलोक की नई सुरक्षा कर्मी, और ये उनका पुत्र गज्जू है। हाँ बालवीर, ये हमारे दुश्मन नहीं दोस्त है। और महागजनी, ये है हमारा बालवीर। और ये मेरी माँ है। और ये मेरी माँ है। और गज्जू, ये है बालवीर, आपकी तरह ये भी बच्चों का और हम सब परियों का प्रिय है। मुझे माफ करना बालवीर, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम पे वार किया। कोई बात नहीं महागजनी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी मुझे गलत समझ लेता, और गलती तो मेरी भी है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, अब तो आप दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है ना। हाँ माँ, पहचान लिया है, और मुझे लगता है कि अब गज्जू भी मेरा दोस्त बन गया है। क्यों गज्जू? दोस्ती पक्की। हाँ दोस्ती पक्की, और बालवीर एक बार दोस्ती करता है तो उसे हमेशा निभाता है। पता नहीं क्यों पर मेरे हाथ में आज बहुत खुजली हो रही है। रुको बस रुको, लेफ्ट की राइट कौन सा हो रही है? लेफ्ट क्यों? ये तो सिंपल है बस। अभी क्या, अभी हम दोनों को पिज्जा खिलाने वाले हो? पर तुम्हें पता है मैंने क्या सुना है? क्योंकि लेफ्ट हाथ में खुजली हो ना तो कान के नीचे बजाते हैं। क्या बात, हिंदी यार। रोहित तो हमेशा पिज्जा को लेकर रहते रहते रोत लो। वही तो, अगर तुझको रोना ही है तो मोंटू की शक्ल देख करो, उनकी अकल देख करो, हम इनके दोस्त थे ये सोच करो, है ना बॉस? ठीक है, सही बोल रहे हैं ना? नॉनसेंस। ए, वो देख, इसको तो स्कूल में पहले कभी नहीं देखा, लगता है नई स्टूडेंट है। नई स्टूडेंट मतलब मॉन्टू तक रहते हाथी। सॉरी लखानी। की शरारत करने की नई एक्सपेरिमेंट, अब चलो। कहाँ? कैंटीन। चलो चलो। ए, एक्सक्यूज मी मिस, ए, मैं हूँ स्कूल में। अरे यार बहुत गर्मी हो रही है ना। हाँ बॉस, लेकिन जहाँ आप खड़े हो जाओगे ना उसकी छाव में पांच लोग तो आराम से खड़े हो जाएंगे, है ना? ओ मिस, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, मुझे बहुत गर्मी हो रही है और प्यास भी बहुत लगी है, इसलिए तुम्हारी बोतल दो। देखो मोटू। मोंटू। मोंटू बॉस। सॉरी मोंटू, अगर तुम्हें किसी से कुछ लेना हो तो सबसे पहले प्लीज बोलते हैं, समझे? मोंटू और प्लीज कभी नहीं, उल्टा लोग मुझे देख के मोटा हाथी गेंडा गैस का गुब्बारा कहते हैं।
बोलना मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी का स्टाइल नहीं है, अभी बताता हूँ। सोनी दे मेरा तुम्हारा तो चेहरा खराब हो गया। एक काम करता हूँ, मैं उसे धो देता हूँ। नहीं सॉरी, प्लीज प्लीज मैं उसे धो देता हूँ। ये लो तुम्हारी बॉटल, ए ढक्कन ढक्कन दे, जाओ जाओ। मोंटू से पंगा लिया। महागजनी, जेगा रानी परी, शोर होता तो गज्जू उड़ जाता। महागजनी, जिस प्रकार से आप गज्जू का ख्याल रखती हैं, उसे देखकर सचमुच आपका प्यार बहुत अनोखा है। क्या करूं रानी परी, गज्जू में मेरे प्राण बसते हैं। ये चैन से सोता है तो मैं भी चैन से सो पाती हूँ। और आप परीलोक की सुरक्षा करती हैं तो हम चैन से सो पाते हैं। हाँ महागजनी, आपके यहाँ परीलोक में होने से हम अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो गए। अभी छोटा है ना, इसलिए देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। हर माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा छोटा ही होता है। जी बाल परी, वैसे आप सब यहाँ इस समय सब ठीक है? हाँ महागजनी, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको सावधान करने आए हैं। भयंकर परी को पता चल चुका है कि अब आप परीलोक के खास सुरक्षा करनी है, इसलिए हो सकता है कि वो हमसे पहले आप पर वार करने की कोशिश करें। मुझे अपनी चिंता नहीं है रानी परी, अपने पर होने वाले हर आक्रमण का सामना करने में सक्षम हूँ। मुझे तो बस गज्जू की चिंता रहती है, बस हर समय उस पर ही ध्यान रहता है कि कभी उस पे कोई खतरा ना आए। बस मेरे पुत्र गज्जू को कोई हानि ना पहुंचे। इस बार बहुत मजा आएगा अपनी चालें चलने में, क्योंकि इस बार भयंकर परीलोक का विनाश नहीं करेंगे। इस बार परीलोक का विनाश करेगी महागजनी, जिसे परीलोक की सुरक्षा के लिए रखा गया है। तौबा 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 तौबा। कहिए परी भयंकर। बेवकूफ, अपने काम पे ध्यान दो और अपने जादुई कुंड से गज्जू पर नजर रखो, और जैसे ही गज्जू परियों के साथ मुझे बताओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब गज्जू परियों के साथ होगा तभी हम उसको चुराएंगे। ओ, ताकि महागजनी को लगे कि ये सब कुछ रानी परी का किया हुआ है। अरे हाँ, और वो अपना गुस्सा परियों पर निकालेगी। करो कर रहा हूं, कर रहा हूं।
और दबा। सचिन। क्या सलोनी तुम रो क्यों रही हो? वो मोंटू है ना, उसने मुझे बचकर नहीं जाएगा। सचिन देख, तू गुस्सा मत हो, वो मोंटू है ही ऐसा, वो शैतान है। सचिन हम पापा से उसकी शिकायत करेंगे। हाँ। नहीं, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं आना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है और हम ही उस मोंटू को सबक सिखाएंगे। देख सचिन, वो मोंटू तुझसे मुझसे क्या मोंटू मोंटू मुझसे माफी मांगेगा, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, वो मेरी बहन सलोनी से भी माफी मांगेगा। मोंटू, तूने मेरी बहन को परेशान किया और अब मैं तुझे परेशान करूंगा। नहीं देख, तू ऐसा मत कर प्लीज, अगर मोंटू ने सुन लिया ना। अरे वो सुने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। याद रख मान, अपुन सब सही है, बाकी सब ठंडा दही है। सचिन शांत हो जा। सचिन नीचे उतर जा, उतर जा। सचिन उसको जाने दे प्लीज। अच्छा तुझमें हिम्मत है ना? हाँ। तो चल यहाँ से, चल जा। माना ऐसे कैसे जाने दूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को परेशान करने की? अरे बॉस, ये तो देखो आपको चैलेंज कर रहा है। अभी पता चल जाएगा कौन है। और अगर वो आज मेरे सामने आना, उसे मसल दूंगा, मैं मसल दूंगा। अरे अंकल सामने से हटो ना, मोंटू से निपटने जाना है। निपट ना। नहीं 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 मोंटू निपट।